और एक बड़ी खबर इस वक्त की, एयर इंडिया का 3 जून से लापता विमान AN-32 का मलबा मिलने की बात आधिकारिक तौर पर इंडियन एयरफोर्स की ओर से बताई गई है कि अरुणाचल के लीपो के नज़दीक ही इस विमान का मलबा मिला है। दरअसल 3 जून को टेक ऑफ करते ही ये लापता हो गया था। संदीप बोल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। संदीप, क्या अब ये पुष्टि हो चुकी है, आश्वस्त है एयर इंडिया भी कि ये उसी विमान का मलबा है? देखिए, इंडियन एयरफोर्स का जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है AN-32, जो कि 3 तारीख को उड़ान भरी थी, जिसने जोरहाट से और तकरीबन उड़ान भरते ही 35 मिनट के बाद जो लापता हो गया था, लगातार उसको ढूंढा जा रहा था, लगातार खोजबीन उसी की जा रही थी, दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा था। उसके बाद आज जो है उसको स्पॉट किया गया है 12,000 फीट की ऊँचाई पर, एलिवेशन पर, यानी कि ये एयरक्राफ्ट जो है जो स्पॉटिंग जो हुई है वो सीधे तौर पे दिखा रहे हैं कि पहाड़ की चोटी पर जो है ये क्रैश हुआ है, और ये तकरीबन 16 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ लीपो, जो कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ टाटो जो जगह है वहाँ से है। तो कह सकते हैं कि लगातार पिछले कई दिनों से जो है, जब से ये मिसिंग हुआ था उसके बाद लगातार इसकी खोज की जा रही थी। उसमें जो है नेवी के जो है लंबी दूरी के टोही विमान का भी इस्तेमाल किया जाता, हालांकि अभी तक से स्पॉट हुआ है उस जगह तक वहाँ तक कोई पहुँच पाया है नहीं पाया, क्योंकि MI-17 हेलीकॉप्टर जो कि उसको हवा आसमान से जो सर्च कर रहे थे, लगातार ढूंढ रहे थे, उन्होंने स्पॉट किया है इसको। तो अभी उस जगह तक पहुंचना और उस जगह पर जाकर पूरे राहत बचाव का काम करना, क्योंकि ये काफी लंबे दिन जो है वो बीत चुके हैं, और ऐसे में अब कोशिश उनकी ये रहेगी जल्द से जल्द जाके जो है उस जगह तक और वहाँ पे जो कोशिश की जाएगी कहीं कोई व्यक्ति विशेष जो है, जो कि उसमें सवार थे 13 लोग, उनमें से कोई जीवित है या नहीं है। तो अभी फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।